कोई बात नहीं यार, क्या छोटी मोटी चीज थोड़ी हूँ मैं। तो कोई है ऐसे दिमाग में टारगेट ही भाई? जस्टिन भाई, जस्टिन तो खुद फंसा पड़ा है अभी, उसको मैं निकालूंगी सिचुएशन से। हंस रहे हो काफी? और क्या, ये कैसे दर्द भरे हंसी है कि ये खुशी की हंसी है? क्या लगता है आपको? तो क्या मतलब, सुना कुछ डेट पे क्या हुआ है? कुछ ज्यादा ही सुन लिया है मैंने। क्या सुना है भाई, जरा मुझे बताओ, मैं भी जानना चाहता हूँ। कपड़े वपड़े उतर रहे हैं उसके, वो भी काश नहीं ना उतार रही है उनके कपड़े। क्या करना चाहिए मुझे बताओ आप। मैं भाई देखो, मुझसे मैं तो सिर्फ उड़ती उड़ती खबरें ले आ रहा हूँ, उड़ती उड़ती खबरें यहाँ से। मैं बता रही हूँ, जब तक मैं नॉन वायलेंट हूँ, लोग सर पे चढ़ चुके हैं मेरे। कोशिश को ठोकूंगी पहले तो मैं। बट या ऑन सीरियस नोट, द कशिश हुम आई रिमेम्बर टिल लाइक फ्यू डेज बैक वाज ऑल टीरी आइड। महक महक मेरी कनेक्शन है, एंड जब ओरेकल के सामने गया, आइडल मैच बना, उसके बाद यू नो अब करना पड़ेगा। बट डू यू थिंक ही इज स्टिकिंग टू दैट? नो, ही इज नॉट, क्लियरली नॉट। बोलता तो अभी भी वही है कि आई एम गोना स्टिक विद यू एंड आई एम ऑलवेज विद यू, डोंट यू ट्रस्ट मी। बट वो ट्रस्ट दिख नहीं रहा ना मुझे। मैं एक बार अवॉइड करती हूँ एक चीज़ को, दूसरी बार अगले दिन कुछ और हो जाती है, फिर उसे अवॉइड कर लेती हूँ, थर्ड डे फिर। बट यार मेरा स्टूपिड फील हो रहा है मुझे बहुत, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट मेरी लग रहा है, मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रह रही है। When you're saying कि एक दिन अवॉइड करती हूँ, दो दिन अवॉइड करती हूँ, व्हाट आर दीज इंस्टेंसेस? क्या क्या हुआ बताओ एक बार। यार पहले तो चलो ये इंस्टेंस हो गया कि जाना ही पड़ गया है ओरेकल के आगे इसको, ठीक है ठीक है। दूसरा फिर एक तो मेरा खून खोलता है उन दोनों को साथ में देख कर ना बहुत ज़्यादा, और जब वो हंस देते हैं तो मुझे पता है यार मैं क्यों क्यों हूँ मैं जो उसके पीछे ही बैठी हूँ, कि नहीं मैं पार्टनर अब भी नहीं करूँगी, जिससे मैं कशु के साथ ही परफॉर्म करूँगी, इसे उसी के साथ करूँगी। बट ये मुझे लग रहा है कि सिर्फ मेरी तरफ से ही आ रहा है, बिकॉज उसकी तरफ से सिर्फ वर्ड्स आ रहे हैं। उसको कुछ सिचुएशन से डील नहीं करना पड़ रहा, उसको कुछ नहीं करना पड़ रहा, मैं डील कर रही हूँ। मैं आज डेयर में टास्क में डेयर था हमारा कि मुझे लव प्यार का इजहार करना है पब्लिकली। मैंने इतना कुछ अपने दिल से उसके लिए बोला, और यहाँ पीछे से वो क्या कर रहा है? वर्ड्स आ रहे हैं, शर्ट जा रहे हैं, बस शर्ट जा रहा है। रहा है यार, मत बोलो। अच्छा ठीक है, तो डू यू थिंक, मारना नहीं मुझे ठीक है, डू यू थिंक, डू यू थिंक ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि कशिश फ्लिप मार दे? मैं, हो सकता है यार, मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूं, बट मुझे थोड़ा लग रहा है कि इसके वर्ड्स कुछ और बोल रहे हैं और वो कुछ और बोल रहा है। तो डेट से वापस याद आया, क्या डेट पे एक तो तुमने कहा कि ऐसा सुनने में शर्ट उतरी है, और भी कुछ हुआ क्या? अपनी स्वेट शर्ट दी है उसको, और वो पहन कर आई थी मेरे सामने, और अभी तक वही पहन के घूम रही है। स्वेट शर्ट दी थी है? और कुछ ना दे दिया, वो मुझे क्या पता। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, सो ऐसा तो नहीं कि वो जानबूझ के पहन के घूम रही है तुम्हारे सामने? जान के घूम रही है, मैंने उसको पूछा कि मैं क्यों ना घूमूं, मेरी मर्जी। बट वो तो कह रही थी यू नो महक, हम आपके कनेक्शन को हेल्प करेंगे, बचाएंगे। अब कहाँ गया कनेक्शन? माता जी मेरे को माफ करो आप। अच्छा ठीक है, प्रोबेबिलिटी ठीक है, मारना मत। प्रोबेबिलिटी ये काश डर कशिश को भी बताया यार, अगर हाँ बाय चांस आकाशीना हुडी पहनते पहनते ठीक है पहनते पहनते आपके कनेक्शन को पहन ली, तो आप क्या करेंगी? कोई बात नहीं यार, क्या छोटी मोटी चीज थोड़ी हूँ मैं। तो कोई है ऐसे दिमाग में टारगेट है? जस्टिन भाई, जस्टिन तो खुद फंसा पड़ा है अभी, उसको मैं निकालूंगी सिचुएशन से। एक एक कुछ समझ लीजिए कि एक एक रैंडम सिनेरियो, अगेन मारना नहीं, बड़े मजे आ रहे हैं आप। हाँ मैं कह रहा हूँ, समझ लो ये आकाशीना डेट के बाद ऐसी चलती हुई आ रही है आपके पास, टक टक। गाइज हम कट करते हैं ठीक है? गाइज आई थिंक दिस इज टाइम, यू गाइज स्टे ट्यून्ड की MTV स्पेशल 14 ओनली ऑन MTV अनबूट।